दो चीजें जो है ना जिक्र में बड़ा फायदा देती है, एक टारगेट डेली सेट करें, जैसे 100 दफा ये सुभान अल्लाह व बिहम्दी कहा जाती है, मिनिमम बेयर मिनिमम है कि आप ये 100 दफा सूर्य निकलने से पहले और सूर्य गुरूब होने से पहले पढ़ लें असर के बाद। फिर इसी तरह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार करते, टारगेट सेट कर लें कि मैंने लाजमी ये तो करना ही करना है, इतना तो करना है, ज्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हदीस में आता है ना तूबा लिमन वजद अल इस्तिग़फ़ार फी सहीफ़ती, के खुशखबरी है उसके लिए जो अपने अमाल नामे में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाए। फिर आप देखिए दुरूद शरीफ है, अगर कोई अपनी सारी दुआ को दुरूद शरीफ ही बना ले तो उसके लिए हर चीज काफी हो जाती, कम से कम एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, और अगर वो नहीं नसीब तो सुबह 10 दफा, शाम 10 दफा, दिन का आगाज इख्तिताम तो लाजमी दुरूद शरीफ के साथ हो। फिर इसी तरह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है, जन्नत के खजानों में अगर हमें दुनिया का कोई खजाना बताया जाए तो हम लूटने चले जाए उसको, नहीं तो जन्नत का खजाना है वो इकट्ठा करने के लिए, उसकी तस्बीह कर लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कम से कम 100 दफा पढ़ लें, 100 दफा नहीं 10 दफा ही रख लें, लेकिन डेली पढ़ें। फिर इसी तरह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी बेपनाह फजीलत और इसकी बेशुमार फजाइल है अगर इसकी एक तस्बीह आप कर सकें। अब यह है कि इतना कुछ ओवरवेलमिंग हो जाता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ चीजें सुबह के वक्त के लिए रख लें, कोई दोपहर के लिए रख लें, कोई शाम के लिए रख लें, कोई कहीं अगर आप आते जाते हैं उसके लिए रख लें, कोई किसी काम के साथ बांध लें। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया ना कि ये तो करना ही करना है तो इंशाल्लाह कर भी लेगी, अगर किसी वजह से कोई आगे पीछे हो भी गया तो रात को सोने से पहले कर लें, अगर एक दिन कुछ कमी पेश होगी अगले दिन पूरा कर, अपने ऊपर पाबंदी आपने खुद लगानी है ये तो मैंने करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर ना करें तो फिर उस पर अपने आप को पनिश भी करें, उसके बस कुछ सदका करें, क्योंकि अपनी आदतों की इसलाह खुद ही करनी है, रोजा रखें, यानी कंपनसेट करें अपने आप को, क्योंकि इंसान के जिस्म के हर जोड़ पे रोज सदका वाजिब होता है, तो ये तस्बीहात जो है वो जोड़ों का सदका भी है, ठीक है। तो औकात मुकर्रर करें, अपने लिए खुद मुकर्रर करें, खासतौर पर जो मसनून तादाद आई है उसकी पाबंदी करें, और बाकी ये तो वैसे की तस्बीहात है ना, लेकिन जो सुबह शाम के अज़कार है उनकी पाबंदी करें, रात को सोते वक्त के अज़कार की पाबंदी करें, घर से निकलते आते जाते उठते बैठते सारे दिन के जो मसनून अज़कार, दुआ कीजिए किताब किस किस के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, उसने जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पर जो दुआएं की जाती हैं, दुआ जो वो बजाते खुद एक जिक्र की किस्म, ठीक। तो जिनका रिश्ता ना हो रहा हो वो भी, जिनका हो चुका हो और शादी के प्रॉब्लम्स हो वो भी, जिनका हो चुका और फिर बच्चे ना हो वो भी, इन सब के लिए एक ही वजीफा है और वो क्या है, इस्तिग़फ़ार का। फिर इसी तरह एक और जगह पर एक और पैगंबर ने अपने लोगों से कहा, वस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत रखता है। यानी जब किसी बंदे पर कोई तकलीफ आती है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उस पर खुश होते हैं और जानबूझ के सताना चाहते हैं बंदों को, अल्लाह तो बंदों के हक में बहुत मेहरबान है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि तकलीफ आती क्यों, अगर वो हमसे मोहब्बत करता है और वो बहुत मेहरबान है। तो बात यह है कि कुछ चीजें हम अच्छे हालात में सीखते हैं और कुछ चीजें हम हार्डशिप से सीखते हैं, कुछ नेमतों की कदर हम अच्छे तरीके से वैसे ही कर लेते हैं और कुछ चीजों की कदर हमें उस वक्त आती है जब कोई मुश्किल पेश आती है। आप देखिए कि इसकी मिसाल यूं ही है कि जैसे कुछ खाने आप कच्चे ही खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, आपको पकाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ खाने आपको पकाकर खाने होते हैं। इसी तरह जिंदगी में कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिनमें आप आराम से सीख जाते हैं, या कुछ बातें आपको बगैर किसी मुश्किल के समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ बातें आपको मुश्किल आने पर समझ आती हैं। और जिस तरह इंसान पुख्ता और मैच्योर होता है मुश्किलात में, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हार्डशिप्स में पलते हैं वो बड़े होकर उनमें स्टेमिना ज्यादा होता है, लेकिन जो बच्चे बहुत नेमतों में और नाजों में पलते हैं वो इतने बहादुर और इतने हिम्मत वाले नहीं होते। इसलिए धूप और छांव, गम और खुशी दोनों इस कायनात का हुसन है, दिन और रात एक बहुत बड़ी निशानी है हमारे लिए। तो इसलिए जब तकलीफ आती है तो उस मौके पर इंसान अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है, अल्लाह को ज्यादा याद करता है, ज्यादा जिक्र करता है, और इस तरह इंसान के गुनाह दुनिया में ही माफ होने लगते हैं। एक और जगह पर आता है, वह अनिस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही युमत्तअकुम मताअन हसना, और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो तुमको अच्छा सामान्य जिंदगी देगा।
یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا, یہ قرآن پاک ہی کی دعائیں ہیں استغفار کی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. ایک اور دعا ہے, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اسی طرح, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر اسی طرح, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة صدری. رب اغفر لی وتب علی انك انت التواب الغفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی.